अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल छपरा द्वारा सरिस्वा बाजार स्थित निहाल डेंटल हेल्थ केयर एवं अनमोल केयर क्लिनिक में मेगा हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल छपरा द्वारा सरिस्वा बाजार स्थित निहाल हैंडल हेल्थ केयर एवं अनमोल हेयर क्लिनिक में शनिवार को एक मेगा हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर राजीव कुमार बरनवाल एवं डॉक्टर रितेश कुमार शुक्ला द्वारा करीब 400 मरीजों का आंख, कान, गला, हड्डी, दांत एवं स्त्री रोग का निशुल्क इलाज किया गया एवं मुफ्त दवाइयां और चश्मा दिया गया। इसमें कई लोग मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। डॉक्टर रितेश शुक्ला ने उन्हें अपने क्लिनिक पर आने को कहा, जिसका निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर राजीव कुमार बरनवाल ने कहा कि हर माह के 7 तारीख को अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा डेंटल हेल्थ केयर सरिस्वा बाजार में मुक्त आंख, दांत और स्त्री रोग का इलाज किया जाता है। और उन्हें कहा कि गांव में ज्यादातर लोग हेल्थ के प्रति जागरूकता के अभाव में बीमार होते हैं, अतः उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता है। अमीना खातून, महमूल नेता भगत रामजी शाह शेख, कलाम वीर मोहम्मद, छोटे लाल, मंजू देवी, मनु मियां सुरेंद्र आदि लोगों ने अपने आप का इलाज करवाया। इस अवसर पर ब्रजेश कुमार बरनवाल, विपिन कुमार मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पश्चिम चंपारण से संवाददाता राजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा ये मुफ्त शिविर लगाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? बस एक सेवा का भावना है। जो मेरे यहाँ लगभग 7 सालों से अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा हम लोग कैंप करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 13,000 लोगों को मुफ्त में ऑपरेशन करा चुके हैं, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है, ऑपरेशन लेंस सब कुछ फ्री होता है, जिससे बहुत गरीब लोगों की का उपकार हो रहा है। और इसमें हम अखंड ज्योति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र में आके अपना बहुमूल्य सेवा दे रहे हैं। ये सर, आपका ये कैंप जो है कितने सालों से लग रहा है? सर, लगभग 17 से हम लोग लगा रहे हैं। अभी तक 13,000 लोगों का ऑपरेशन हम लोग फ्री में करा चुके हैं अपने सेंटर से। सप्ताह में कितने बार लगता है सर? बस महीना में एक दिन, हर एक 7 तारीख के दिन। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव हुआ और मैं यहीं सरिस्वा बाजार में एक डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा घर ओझा मठिया हुआ। बस आप लोग का, सभी लोगों का सहयोग और प्यार के कारण ही हम लोग इस कैंप को पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सर।